नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आज हम बात करेंगे जम्बूद्वीप उर्फ उत्तर प्रदेश की, जहां रामराज्य लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लेकिन आगे बढ़ें, रामराज्य पर बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, इसको स्कैन करके आप हमारी पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो को देखें। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के सूर्यमणि तिवारी के लोगों ने विजिलेंस टीम के जवानों को लतियाते हुए गाड़ी में भरा और आगे बढ़ गए। रामराज्य की अगली तस्वीर देखिए। ये वाला मामला जम्बूद्वीप उर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव जिले का था। कानपुर लखनऊ हाईवे के बीचों बीच युवक का शव लटका दिया गया। लोगों में हत्या की चर्चा है, पुलिस के मुताबिक आत्महत्या है। अभागा आत्महत्या के लिए हाईवे के डिवाइडर को चुनता है, जांच जारी है। खैर, आप अगला रामराज्य देखिए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से दिल दहला देने वाली खबर आई है। दो लड़कियों की लाशें एक आम के बाग के पेड़ में लटकी मिली। ये लड़कियां 15 और 18 साल की थीं। परिवार के अनुसार दोनों कल रात जन्माष्टमी के कार्यक्रम में गई थीं। ये वाली फिल्म फर्रुखाबाद जिले की थी। जन्माष्टमी की रात दो दलित लड़कियों का शव पेड़ पर लटका दिया गया। हमेशा की तरह जम्बूद्वीप की जेम्स बॉन्ड पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही घोषणा कर दी कि यह तो आत्महत्या है। गंगा जमुना के विस्तृत दोआब में ओवरफ्लो हो रहे रामराज्य की एक और फिल्म देखिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चौक इलाके के ठठेरी बाजार में आभूषण की दुकान पर दिन दहाड़े डाका पड़ गया। असलहे के बल पर 5 नकाबपोश ने घटना की। कारोबारी ने लाखों के आभूषण और 4 लाख रुपए ले जाने की बात बताई है। ये सारी घटनाएं जम्बूद्वीप उर्फ उत्तर प्रदेश में पिछले एक पखवारे के भीतर घटी हैं। इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं जिन्हें हम इस एक शो में समेट नहीं सकते। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में यह सब कोई समस्या ही नहीं है। समस्या है बटने पर कटने की, क्योंकि बांग्लादेश में लोग बटने के बाद कट रहे थे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भारत की चुनहराई हुई जनता योगी जी से एक स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रही है कि बांग्लादेश में कौन सी जाति व्यवस्था थी जिसमें बटने के कारण लोग कट गए। नतीजे में शेख हसीना को देश से फरार होना पड़ा, पूरा देश अराजकता में फंस गया। है ना दूर की कौड़ी, जिसे हम और आप जैसे तुच्छ जंतु नहीं देख पा रहे, लेकिन योगी जी की दिव्य दृष्टि इसे साफ साफ देख रही है। इस दिव्य दृष्टि के नतीजे में जनता को जो न्याय मिल रहा है वो आपके सामने है। अनगिनत लोगों के पैरों में पिछले कुछ सालों के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली मारी है। लंगड़े लूलों की पूरी फौज तैयार हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी बुलडोजर मामले में व्यस्त है। अब मुद्दे पर आते हैं। यह सब दिखाने का एक मकसद यह था कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता रहे। गुरुजी ने पढ़ाया था संदर्भ सहित व्याख्या करना चाहिए, ताकि आप कल्पना कर सकें कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श राज्य की स्थापना योगी जी कर रहे हैं, वहां न्याय की क्या क्या व्यवस्थाएं रही होगी। बहरहाल, इस वाले मामले में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, या कहें कि रामराज्य का ओवरडोज हो गया। उत्तर प्रदेश के STF ने सुल्तानपुर में हुई लूटपाट के एक आरोपी को मार गिराया, 4 को गिरफ्तार कर लिया। आज भोर में 2 बदमाश बाइक से हनुमानगंज बाईपास के पास से निकल रहे थे, तभी COD के शाही की अगुवाई में STF व कोतवाली देहात पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भाग निकला। डकैती के आरोपी मंगेश मुठभेड़ में ढेर हो गया। इससे पूर्व मंगलवार भोर में भी पुलिस ने मुठभेड़ में इसी मामले में अमेठी के सचिन सिंह, त्रिभुवन और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
जौनपुर निवासी मंगेश यादव को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तथाकथित मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद एक राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़ा कर दिया। इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दो दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। राहुल गांधी ने एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि एसटीएफ का इस्तेमाल गेहूं की तरह हो रहा है। थोड़ा और विस्तार से इस घटना को समझिए। सुल्तानपुर शहर के चौक इलाके में स्थित एक सर्राफा व्यापारी की दुकान 5 लड़के दिन दहाड़े लूट लेते हैं। यह घटना 28 अगस्त की है। 3 सितंबर को पुलिस 3 आरोपियों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लेती है। इनके नाम पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन है। गोली पैर में मारी जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस बचे हुए आरोपियों के सिर पर 1,00,000 रुपए का इनाम रख देती है। इस लूटकांड का मुख्य आरोपी विपिन सिंह था। पुलिस की सर्विलांस टीम लगातार इसकी खोजबीन में लगी थी। तमाम टेक्निकल सपोर्ट से लैस उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इसे ढूंढ पाने में नाकाम रही। 4 सितंबर को एसटीएफ के तमाम अमले को चूना लगाते हुए विपिन सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एसटीएफ को भनक तक नहीं लगी। अगले दिन 5 सितंबर को पुलिस के दावे के मुताबिक 5वां आरोपी मंगेश यादव पुलिस के फैलाए जाल में फंस जाता है। तथाकथित मुठभेड़ होती है। जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम मंगेश को मार गिराती है। इस ऑपरेशन की अगुवाई एसटीएफ के सीओ डीके शाही कर रहे थे। इस पूरी कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी राजपूत हैं। गिरफ्तार करने वाले एसटीएफ के सीओ राजपूत हैं। एसटीएफ की आंख में धूल झोंक कर कोर्ट में सरेंडर करने वाला मुख्य साजिशकर्ता आरोपी विपिन भी राजपूत है। सिर्फ मारा गया मंगेश जाति से यादव है। अखिलेश यादव का आरोप है कि इसी वजह से उसे मारा गया, क्योंकि वह यादव था। मुठभेड़ की परिस्थितियां और पुलिस की कहानी भी संदेहास्पद है, लेकिन मंगेश की बहन क्या कह रही है सुनिए। सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। फिर वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। इस तरह से रामराज्य कायम हो गया। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सूबे में ये चर्चा आम हो चुकी है कि राजपूतों को विशेष संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो प्रशासन में हो या फिर बाहुबल की दुनिया में हो। अब मंगेश यादव की हत्या से जुड़े कुछ जरूरी सवाल और एसटीएफ का नेतृत्व करने वाले डीके शाही के बारे में जान लीजिए। इस ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त डीके शाही उर्फ धर्मेश कुमार शाही ने प्रोफेशनलिज्म की अति मचा दी। वो हवाई चप्पल पहनकर मुठभेड़ को अंजाम देने पहुंचे थे। यह तो ठाए-ठाए मोमेंट हो गया। ड्यूटी के प्रति यह समर्पण देखते ही बनता है। यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक डीके शाही उर्फ धर्मेश कुमार शाही मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। साल 2019 में वह डिप्टी एसपी के रैंक पर प्रमोट हुए थे। शाही की पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता हैं। उन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। हालांकि वो गोरखपुर में बहुत पहले से बीजेपी महिला मोर्चा के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थी। शाही पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन परिवार उनका पूरी तरह से बीजेपी की सियासत में लिप्त है। इस तरह की न्यायेतर हत्याओं पर मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब पुलिस मुठभेड़ में किसी को मारे तो पत्रकार की छठी इंद्री जाग जानी चाहिए। उसकी पहली प्रतिक्रिया शक और सुबह की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आज तक वाली अंजना ओम कश्यप हैं तो इस तरह की उलटवासी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न आज भाटी साहब आपसे होगा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं। आप लोग कास्ट सेंसस तो जनता का करना चाहते थे, अब अपराधियों का भी कास्ट सेंसस करने लगे हैं। अगर किसी को एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसको जाति देखकर मार रही है पुलिस। और जो लोग उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं उनकी समस्या कुछ और ही है। 2 दिन से गोरखपुर में हूँ। गर्मी से बुरा हाल तो है ही यहाँ, लेकिन उस बुरे हाल को और भी बुरा बना रही है यहाँ की बिजली व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा संज्ञान लीजिए। वाह सिन्हा जी वाह। इसीलिए हम कहते हैं एंकर एंकराओं पर नहीं पत्रकारों पर भरोसा कीजिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है,
राहत इंदौरी का यह शेर बहुतों पर बहुत बार लागू हुआ है, लेकिन फरीदाबाद की घटना पर शायद सबसे ज्यादा लागू हुआ है। 23 अगस्त को फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की हत्या गौरक्षक गुंडों ने कर दी। कहानी के मुताबिक उन्हें गौ तस्करी का शक था, सो आर्यन को 2 गोली मार दी गई। जब सामने आया कि आर्यन हिंदू है, तब मीडिया के घोघा बसंतों को लगा कि अब जागने का वक्त हो चुका है। आरोप है कि गौ रक्षकों की एक टीम ने 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा की गोली मार कर हत्या कर दी, क्योंकि उनको डाउट था, उन्हें शक था कि वो जिस गाड़ी में बैठा है वो गौ तस्करों की गाड़ी है, शक था। उस गुंडागर्दी को मिली छूट के खिलाफ जहां नाम गोरक्षा का दिया जाता है, भेष गोरक्षक का धरा जाता है, लेकिन हरियाणा में उनके हाथों निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जैसे इस बार फरीदाबाद में 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को मार देने का आरोप है। गोरक्षा दल के नाम पर गुट बनाकर घूम रहे लोगों ने एक बेकसूर को सिर्फ शक में मार दिया। असामाजिक तत्वों और गुंडों द्वारा गौरक्षा की आड़ में की जाने वाली हत्याएं अब किसी को नहीं चौंकाती। 2-4 दिन पहले ही हरियाणा के चरखी दादरी में बंगाल के रहने वाले मजदूर साबिर मलिक की भी गौरक्षा के नाम पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ यथावत चलता रहा। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बीफ खाने के शक को लेकर एक प्रवासी मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक मजदूर का नाम साबिर मलिक था और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जबकि एक और मजदूर घायल हो गया है। मतलब ये कि यह देश संतई को प्राप्त कर चुका है। गैर कानूनी हत्याओं में 2 आंख करना अब हमारे सामान्य व्यवहार का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में किसी आर्यन की हत्या किसी न किसी दिन होनी ही थी। गौरक्षा की आड़ में बेकसूर लोगों की हत्या का यह सिलसिला एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा है, धीरे धीरे 1 दशक होने को है। मोहम्मद अखलाक, पहलू खान, रकबर खान, नासिर जुनैद से लेकर साबिर मलिक, तमाम लोगों ने सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडों की कीमत चुकाई है। सत्ता के संरक्षण से अगर आपकी भावना आहत हो गई हो तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह बयान सुन लीजिए। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रोकता है, फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धर्म की रक्षा में निकले उन जियालों को कौन रोक सकता है जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं कुतर्क करने पर आमादा हों। ऐसे माहौल में एक दिन किसी न किसी आर्यन की हत्या होनी ही थी। पुलिस और न्याय व्यवस्था के समानांतर जब किसी हथियारबंद अपराधी गिरोह को न्याय करने की छूट दी जाएगी तो कीमत सिर्फ मुसलमान ही क्यों चुकाएगा। इस मामले में मीडिया की भूमिका पर भी बात करना बहुत जरूरी है। आज जो एंकराएं आर्यन मिश्रा की हत्या से पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उसके माता पिता को इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रहे हैं, उन्होंने कितने शो मोहम्मद अखलाक, पहलू खान, रकबर खान और नासिर जुनैद की हत्या पर किए, कितने रिपोर्टर्स को उनके घरों को कवरेज करने के लिए भेजा। क्या आपको लगता नहीं है कि लिंचिंग पर राजनीतिक रोटी सेकना और सिलेक्टिविज्म से सेकना ये जायज नहीं है इस मुल्क के अंदर? आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? खेतराम भील के बारे में पहले आप बताइए, आपने किसी नेता ने नहीं बोला? नहीं नहीं प्लीज बताइए, रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने अभी तक? हिंदू मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। रकबर के बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा? जाहिरन ये लोग तब खुश थे क्योंकि मुसलमान मारा जा रहा था और हमारे खबरिया चैनलों के भीतर मौजूद सांप्रदायिकता का जमकर तुष्टिकरण हो रहा था। अगली खबर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से है। वहां छत्रपति शिवाजी की मूर्ति उद्घाटन के साल भर के भीतर ही गिर गई। इस तरह से मोदी जी के भड़भड़िया उद्घाटनों की सीरीज में ध्वस्त हो रही चीजों में एक और इजाफा हो गया। अयोध्या का मंदिर, बिहार के पुल, संसद का भवन, रेल, सड़क, एक एक कर सब धसक रहा है, चू रहा है, गिर रहा है। खास तौर पर हर उस जगह पर जहां उनके चरण पड़े, जहां उनके हाथ से झंडा हिलाया गया, छत्रपति की मूर्ति उनमें सबसे अद्यतन मामला है।
जल्दबाजी, अपने चुनिंदा चेलों को ठेका देकर उपकृत करने की मंशा, स्थापित मानकों की अनदेखी और फीता काटने की अतृप्त लालसा मिलकर यह सब कर रही है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। छत्रपति की मूर्ति गिरने के मामले में महाराष्ट्र की पुलिस ने मूर्खता की हद कर दी। उसने मूर्तिकार जयदीप आप्टे को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें दिमाग का अभाव साफ नजर आता है। मसलन गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। अब आप थोड़ा सा हंस लीजिए। आप्टे को कल्याण से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। मालवन पुलिस स्टेशन में एक PWD इंजीनियर अजीत पाटिल द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। इंजीनियर ने दावा किया था कि आप्टे और चेतन ने एक साजिश के तहत इस मूर्ति का निर्माण किया था। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति की गुणवत्ता सही नहीं है, जो कभी भी ढह सकती थी और मौके पर मौजूद कई पर्यटकों की मौत हो सकती थी। फरवरी महीने में मूर्तिकार जयदीप आप्टे ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में आप 250 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने की वजह समझ सकते हैं। आप्टे कहते हैं, अपनी एक एक पाई गिरवी रखकर हमने 1/4 समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया है। हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, सिर्फ चिंता, निराशा और दिल का दर्द मिला है। भारतीय नौसेना से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। यानी जिस प्रोजेक्ट को 12 महीने में पूरा होना चाहिए उसे 3 महीने में पूरा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी को चुनाव लड़ना था, किसी को झंडा हिलाना था, किसी को फीता काटना था। इस बात को महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगौड़ भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा, नौसेना 4 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से पहले प्रतिमा को पूरा करने की जल्दबाजी में थी। इसे कई हिस्सों में बनाकर लाया गया और मौके पर वेल्डिंग कर दी गई। एक बार झंडा हिला दिया, फीता काट दिया, उसके बाद किसी को क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद तो बस एक बलि के बकरे की जरूरत होती है, जिसे सामूहिक रूप से जिबह करके सारे हिस्सेदार न्याय का जश्न मना सकें। इस मामले में मूर्तिकार को जिबह करके मोदी जी, नौसेना और महाराष्ट्र सरकार न्याय का जश्न मना रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी इस बार मोदी जी के पीछे हाथ और पैर धोकर पड़ गए हैं। मोदी जी का गॉड सिंड्रोम तो आप सबको पता ही है, कैसे चुनाव के पहले वो छलक रहा था। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा, परमात्मा ने मुझे भेजा। संघ चालक मोहन भागवत जी ने वही बात पकड़ ली है। उन्होंने फिर से दोहराया है कि आप भगवान हैं या नहीं यह जनता को तय करने दें, खुद न तय करें। परंतु देव अपन झालो की नहीं, ये लोग ठरवते, अपन ही देव झालो असं मानू। मोदी और संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। संघ और भाजपा के परस्पर सहजीवन में खटास चुनावों के पहले ही आ चुकी थी, लेकिन चुनाव बीतने का इंतजार किया गया। इसका एक संकेत आप भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के उस बयान में भी देख सकते हैं, जब उन्होंने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि भाजपा अब संघ से उऋण हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू से नड्डा ने कहा कि BJP उस समय से अब काफी बड़ी हो गई है जब उसे RSS की जरूरत थी। अब BJP सक्षम और अपने मामले खुद संभालती है। लेकिन चुनावों के बाद एक बार जब यह तय हो गया कि नॉन बायोलॉजिकल वाले दावे में कोई सच्चाई नहीं है, उसके बाद संघ ने चौतरफा हमला बोलना शुरू कर दिया। मोदी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए अपनी तरफ से 2-3 शांति प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन लगता है कि भागवत जी का भरोसा बहुत गहरे टूट चुका है। पहले तो मोदी सरकार ने यह आदेश जारी कर संघ को शांति का संदेश दिया कि अब सरकारी कर्मचारी RSS के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। अब केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों को कठोर सजा का प्रावधान था, ये प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। इसके बाद लंबे समय से अज्ञातवास में भेज दिए गए संघ प्रिय राम माधव की फिर से भाजपा की मुख्य धारा में वापसी हुई और उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया। मोदी शाह के विरोधी खेमे से किसी की मुख्य धारा में वापसी होना अपवाद ही समझिए, लेकिन शायद भागवत जी इन लॉलीपॉप से खुश नहीं हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि पहले बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल का निर्णय होगा, इसके बाद कोई दूसरी बात होगी। अब ब्राह्मणत्व के बुखार से जर्जरा रहे मुंतशिर मियाँ की बात करते हैं।
यह व्यक्ति सेल्फ एंटाइटलमेंट से ऐसा अंधराया हुआ है कि इसे लगता है कि सबके लिए कामकाज और कोड ऑफ कंडक्ट तय करने का ठेका इनके पिताजी का है। पहली बात तो ये समझ लो कि ब्राह्मण आकाश जैसा हृदय लेकर पैदा होता है, हम किसी को पराया मानते ही नहीं। इतिहास पढ़ो, क्षत्रिय राजाओं के सिंहासन हमने अपनी नंगी पीठ पर थामे हैं और आज भी थामेंगे। वैश्यों के साथ हमारा संबंध ऐसा रहा कि हमने अपने ज्ञान से उनकी तिजोरियां भरी और बदले में उन्होंने भी कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया। जिनको तुम दलित कहते हो, हमने ऐसे रीति रिवाज बनाए कि उनके घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे। हमने ऐसे रीति रिवाज बनाए कि उनके घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे। हे घामड़दास, इस देश के लोगों के कामकाज और कोड ऑफ कंडक्ट का निर्धारण इस देश का संविधान करता है। पिछले 70 सालों में संविधान आधारित व्यवस्था ने तुम जैसे कुंठित जातिवादियों की छीछा लेदर कर दी है। जिस ब्राह्मणवाद की महानता मुंतशिर बखान रहे हैं, उसकी एक दो बातें समझ लेते हैं। यू आर अनंत मूर्ति का एक उपन्यास है संस्कार। यह उपन्यास ब्राह्मणों की अवसरवादिता और संकीर्णता की प्रवृत्ति को उजागर करता है। फणीश्वर नाथ रेणु के कालजयी उपन्यास मैला आंचल में एक ब्राह्मण महिला इसलिए असमय मौत की शिकार होती है क्योंकि उसकी जांघ पर एक फोड़ा है और कथित सम्मान की रक्षा के कारण वह इसे डॉक्टर को दिखा नहीं सकती। ब्राह्मणवाद भारतीय समाज की कूप मंडूकता का अगुआ है। उसी का बनाया नियम था कि समुद्र की यात्रा से धर्म नष्ट हो जाता है। नतीजा क्या हुआ? हजारों किलोमीटर दूर यूरोप से आए अंग्रेज भारत होते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खोज लाए और हम इतने पास रहकर भी अपने कुएं में ही मछली मारते रहे। ब्राह्मणों ने अपने समाज की इस कदर घेरेबंदी कर रखी है कि कोई इनके भीतर से समता और बंधुता का काम करना चाहे तो उसे जाति समाज से बहिष्कृत कर देने की परंपरा रही है। राजा राम मोहन राय, विद्याचंद्र सागर, दयानंद सरस्वती के प्रति इनकी आरंभिक प्रतिक्रिया इसका ऐतिहासिक उदाहरण है। ब्राह्मणों की स्वघोषित श्रेष्ठता और उनका अहिंसात्मक रवैया एक काल्पनिक धारणा है। ऐतिहासिक तथ्य इससे एकदम अलग हैं। सच ये है कि इनके भीतर भी उतनी ही हिंसा और क्रूरता मौजूद है जितना किसी अन्य शासक के दौर में। कहा जाता है कि हिंदू धर्म ही सबसे समावेशी धर्म है। अरे इतना समावेशी था तो बौद्ध धर्म क्यों बना, जैन धर्म क्यों बना, सिख धर्म क्यों बना? ये तो बाहर से नहीं आए, ये तो यहीं पैदा हुए। और दो धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, तो ऐसे हैं जिनमें ईश्वर की परिकल्पना ही नहीं। आप कह सकते हैं हमारे यहाँ ही ये संभव हुआ है भारत में कि दो धर्म ईश्वरहीन धर्म। तो ये हमारी परंपरा में इन सब धर्मों ने कुछ ना कुछ इस विचार को दिया है। ब्राह्मण शासकों के दो काल से आप आकलन कर सकते हैं, एक मगध का पुष्यमित्र शुंग का काल और दूसरा महाराष्ट्र के पेशवाओं का काल। पुष्यमित्र शुंग के दौर में बौद्धों का सबसे क्रूर सत्ता समर्थित दमन हुआ। इसी दौर में जाति व्यवस्था को मजबूती देते हुए ब्राह्मणों द्वारा गैर ब्राह्मणों के लिए दासता सुनिश्चित की गई। इसी तरह पेशवाओं का शासन भी चरित्र और कर्म में जातिवादी और मानवता विरोधी रहा। इन अत्याचारों का नतीजा रहा कि महारों ने अंग्रेजों की रेजिमेंट में शामिल होकर कोरेगांव में पेशवा सेना के खिलाफ अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और पेशवा शासन का अंत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्राह्मणों द्वारा श्रम आधारित घटिया वर्ण व्यवस्था देना। इसके तहत उन्होंने खुद को सारे श्रम कार्यों से अलग कर लिया, अपने लिए सिर्फ विलासिता और धार्मिक कर्मकांड की भूमिका चुनी। उसने खाने के लिए अनाज से लेकर रोज निपटाई जाने वाली नित्य क्रिया तक के लिए जातियां बनाई। जाहिर है इसके बाद उसके पास इफरात में खाली समय था। इस समय का उपयोग उसने व्यक्ति के पैदा होने से लेकर मृत्यु के बाद जारी ब्रह्मभोज तक के कर्मकांड तय करने के लिए किया। इसी व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। इसी खोखले मस्तक का गुमान है मुंतशिर को। ज्ञान का डोज बहुत गरिष्ठ हो जाए उससे पहले आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। इस हफ्ते की रिपोर्ट NDTV इंडिया से है। उत्तर प्रदेश के तराई के जिलों में इन दिनों भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। बहराइच में भेड़ियों ने कई लोगों की जान ले ली है। किन किन जिलों में फैला है आदमखोर भेड़ियों का आतंक, कितनों की जान ली है भेड़ियों ने, इसकी पड़ताल कर रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला। अभी तक बाघ, तेंदुआ और जंगली हाथियों के साथ में इंसानों की मुठभेड़ होती रही है, लेकिन अब एक चौथा मोर्चा भेड़ियों की तरफ से खोला गया है। अब तक 9 जाने इस मुठभेड़ में जा चुकी हैं। लोग दहशत के बीच पूरी पूरी रात पहरा दे रहे हैं। भेड़ियों की तलाश में वनकर्मियों की टीम
पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की खाक छान रही है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।